ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए अटल पेंशन योजना के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 60 वर्ष से ऊपर के विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन की सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई और हमने देखा कि बीते वर्षों में लोगों का जिस तरह से इस योजना को लेकर रुझान रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना में पंजीकरण करवाया है, अपने खाते खोले हैं, तो उससे लगता है कि भारत अब एक पेंशन के मामले में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ रहा है। विशेष तौर पर हाल ही में जारी हुए आंकड़ों का जिक्र करें तो इस योजना से जुड़ने वालों का आंकड़ा 3.30 करोड़ तक पहुंच गया है और वर्तमान वित्त वर्ष में इस पेंशन योजना से 28 लाख नए लोग जुड़े हैं। शेखर जी, जिस तरह से इस योजना का विस्तार हो रहा है, लगातार इस योजना से लोग जुड़ रहे हैं, कैसे आप इस ट्रेंड को देखते हैं? कमल जी, आपने बहुत दिलचस्पी फिगर्स आपने खुलासा किया है कि अटल पेंशन योजना जो है सरकार के इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था कि हमारी जो जनसंख्या है, अधिकांश लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिस सेक्टर में कोई उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए कोई बुजुर्ग जब हो जाएंगे उनके लिए कोई पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ये स्कीम शुरू की गई थी 6 साल पहले और आज इस स्कीम को बहुत लोगों ने अपनाया। और इस स्कीम का अगर आप केवल कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स अगर देखेंगे, 42 रुपया अगर आप जमा करेंगे हर महीने तब आपको 60 साल के बाद 1000 रुपया मिलेगा, 210 रुपया जमा करेंगे तो आपको 60 साल होने के बाद 5000 रुपया मिलेगा हर महीना। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। जब आपका कंपनी कुछ नहीं है, आप किसी कहीं परमानेंट जॉब नहीं किए होंगे, लेकिन अगर हर महीना अगर आप कंट्रीब्यूट करते जाएंगे तो आपको ये फिगर मिलेगा। सरकार की तरफ से ये लाइफ टाइम तक गारंटी है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपकी धर्मपत्नी या आपकी जो भी स्पाउस है उनको मिलेगा, अगर दोनों के अगर ये हो जाए तो ये जो भी नॉमिनी है उनको मिलेगा। ये स्कीम का इतना पॉपुलैरिटी होने का कारण अगर आप देखेंगे केवल यही है कि एक बहुत बड़ा आवश्यकता जो थी हमारे गांव में और यही थी कि भाई जब लोग बुजुर्ग होते जाते हैं तो उनकी कोई सहायता के लिए कोई नहीं होता। बाल बच्चे होने से भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर अपने परिवार के देखभाल करते हैं और ये लोग बुढ़ापन में अकेले रह जाते हैं। तो ये स्कीम एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आज जो फिगर्स आई हैं, अगर आप केवल 10 राज्य ले लेंगे जहां पे 10 लाख से ऊपर इसमें लोग जुड़े हैं तो देखेंगे सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, जहां कम से कम 50 लाख लोग इसमें शामिल हुए हैं। उसके बाद बिहार है 31 लाख में, उसके बाद बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे एरिया जो है जहां जिनको हम मानते हैं कि कई जगह जैसे बहुत पिछड़े इलाका है जहां गरीबी बहुत है, जहां जो खेत में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट है। इसीलिए ये स्कीम का आज हम जो फिगर्स हमें मिल रहा है ये अपने आप में बहुत अच्छी फिगर है। सरल रूप से इसको जो कार्यान्वित किया ये भी अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। कमल जी, शेखर जी, आपने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लाभ है। ये बिल्कुल सही बात है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक जो शायद किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, अपना कोई रोजगार करते हैं, लेकिन उनके पास अब तक कोई पेंशन की योजना नहीं थी, यानी 60 वर्ष के बाद स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था। तो किस तरह से इस योजना ने न सिर्फ एक पेंशन का लाभ दिया बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा ऐसे बड़े वर्ग को उपलब्ध करवाई है? मान लीजिए आपको 60 साल के बाद हर महीना 1000 रुपया चाहिए, केवल आप 42 रुपया जमा कर सकते हैं बैंक में हर महीना, तो आपको 60 साल के बाद 1000 रुपया मिलता जाएगा जीवन भर। 84 रुपीज अगर आप जमा करेंगे तो 2000 रुपया मिलेगा हर महीना 60 साल के बाद पूरा उम्र, और वैसे अगर 210 रुपया जमा करेंगे तो 5000 रुपया मिलेगा 60 साल के बाद। लोग समझ गए कि ये उनके फायदे के लिए है। उसका बड़ा कारण है कि जो 10 राज्य अगर आप देखें जहां 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं, ये कार्यक्रम, ये योजना पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, इसमें कई लोगों ने खाता खुला इस स्कीम में,
वो समझ पा रहे हैं कि सरकार ने ऐसा एक स्कीम लाया जो उनकी पूरा फायदा के लिए, जो पैसा उनके बुढ़ापन में बहुत काम आएगा, कई औषध ले सकते हैं, छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो अपने पैर में खड़े होकर ले सकते हैं। इसीलिए ये स्कीम को जिस तरह हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कभी प्राइवेट बैंक्स ने भी इसको आगे बढ़ाया है, और ये कार्यक्रम की सफलता की दूसरा कारण है जनधन योजना के माध्यम से कई लोगों ने अपने खाते खुले हैं पिछले 5-6 साल में, इसलिए उनको इस स्कीम को ऑप्ट करने में बहुत आसान हुआ है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही शेखर जी कि जनधन खातों ने एक आधार दिया अटल पेंशन जैसी योजनाओं को लागू होने में, और सरकार ने भी इस दिशा में ये प्रयास किए कि इस योजना को जैसे प्रोविडेंट फंड हो, नेशनल पेंशन सिस्टम हो, ऐसी जो बड़ी पेंशन स्कीम्स हैं उनकी ही तर्ज पर इस योजना को भी तैयार किया कि आप एक छोटा सा अमाउंट हर महीने डालें और साथ में सरकार भी उतना ही अमाउंट आपके खाते में डाले। सरकार ने इसको तवज्जो दी और साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया, 13 भारत की प्रमुख भाषाओं में इसके लिए पूरी जानकारी उपलब्ध हो इस बारे में भी योजना बनाई। जो प्रयास रहे इस योजना को लेकर उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया। पहले तो ये स्कीम की योजना की जो कल्पना की गई थी वो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग हुई, साथ में उसकी जिस तरह की इसकी पब्लिसिटी भी दी गई थी। ये स्कीम 18 साल से लेकर 40 साल तक ये खुला है, मतलब 18 साल का अगर कोई नौजवान हो जिसने कोई काम शुरू किया हो या कुछ छोटी मोटी कुछ भी कमाई कर रहा हो, अभी से वो बचत करने का शुरू करेगा केवल 42 रुपया, तो 60 साल के बाद उसको जो 1000 रुपया मिलता जाएगा। आपने देखा होगा ये जो आंकड़े रिलीज हुए उसमें कम से कम 78% आप देखेंगे उन लोगों में है जिन्होंने केवल 1000 रुपया वाला ये लिया है, 14% वाले ही है जो 5000 वाले स्कीम लिए। इसका मतलब है कि ये स्कीम जिस तरह सरकार ने जो कल्पना की कि भाई सेविंग्स मोड पे जाना है तो आपको बहुत जल्दी से शुरू करना है, इसलिए इन्होंने 18 साल से लेकर 40 साल तक रखा है, जिसको हम मानते हैं कि सबसे आपके लिए प्रोडक्टिव ईयर्स यानी आपको कमाई करने के लिए सबसे अच्छी उम्र है, ये ब्रैकेट है एज ग्रुप के अगर देखा जाए। तो सरकार ने योजना के हर पहलू पर बहुत ध्यान देकर इसको शुरू किया है, और ये जो मोबाइल ऐप आने के बाद हमने देखा इस स्कीम की इसकी बड़ी एक्सपेंशन हुई है, और साथ में आपको ये भारतीय भाषाओं में भी जैसे आपने बताया कि ये ऐप अवेलेबल है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो गांव के हैं, जो देहात के हैं, वो इसमें शामिल हो पा रहे हैं, और उनके लिए बड़े सरल तरीके से अपने पैसे वो देख सकते हैं कि उन्होंने जमा किया तो फलाना तारीख में कितना पैसा जमा हुआ है और आगे ये स्कीम कैसी चल रहा है, ये उनके लिए जानकारी मिलती रहती है। तो इसीलिए सरकार ने इसके लिए बार बार हर जो बैंकर्स की मीटिंग हुई है राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, सरकार ने इस पर बहुत जोर डाला है। साथ में जो हमारी जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसमें सरकार कई स्कीम्स चला रही है, मतलब बेरोजगारी दूर करने के लिए, उस स्कीम्स में भी काफी इसमें लोग इसमें शामिल हुए। जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक समय आता है जहां पे आपको देखें कई बुजुर्ग लोग होंगे, कई लोग जो अपने बुढ़ापन गुजर रहे हैं और जिनके पास कोई पहले व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं थी, अब ऐसे सरकार ने तय किया है कि ये स्कीम चलती रहे और भी लोग शामिल होते जाएं, तो भारत 10 साल के बाद 20 साल के बाद एक पेंशन सोसाइटी हो जाएगा। जैसे हम यूरोप में जानते हैं कि कई जो वहां के जो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सारे माने जाते हैं पेंशन सोसाइटी, यानी उनके भविष्य के लिए एक प्रकार से एक सुरक्षित एक अम्ब्रेला मिल जाती है जो अपने बुढ़ापन में इनके लिए बड़ी प्रोटेक्शन देती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। शेखर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बेहतर और समृद्ध समाज के लिए पेंशन की सामाजिक सुरक्षा का होना बहुत आवश्यक है, और जब 2015 में प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आज युवाओं की जो एक बड़ी तादाद है वो आगे चलकर वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में शामिल होगी, और आज की इस बड़ी युवा आबादी के भविष्य के लिए आवश्यक है कि पेंशन की एक व्यापक व्यवस्था हो, और इसीलिए सरकार ने अटल पेंशन योजना और दूसरी अन्य पेंशन योजनाओं की शुरुआत की। शेखर जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और अटल पेंशन योजना पर आपने अपने विचार रखे, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अटल पेंशन योजना के विस्तार पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in।